हाय एवरीवन, मैं विजयलक्ष्मी रमणी हूँ, मुलुंड में रहती हूँ, सीनियर सिटीजन हूँ। मेरे साथ ऑन 5th December 2023 एक साइबर क्राइम हुआ। उसमें आई लॉस्ट माय हार्ड अर्न्ड पेंशन अमाउंट ऑफ ₹5 लाख। मुझे एक व्हाट्सएप कॉल आया, मैंने मोस्टली नंबर सब नहीं उठाती हूँ। फर्स्ट टाइम मैं नहीं उठाया, सेकंड टाइम भी कॉल आया तो उठाया, तो वो बोला मैं एक्सिस बैंक से बात करता है करके, एंड उस उनका डीपी में एक्सिस बैंक का लोगो था, एंड वो बोला आपका पैन कार्ड अपडेट करने का है। मैंने बोला मैं पैन कार्ड बैंक में जाके अपडेट करेगा ऐसा, बट वो बोला आपने सीनियर सिटीजन है, हमारा लॉन्ग टर्म कस्टमर है, हम लोग आपके लिए सर्विस देता है करके मुझे फोन कट करने को नहीं दिया। एंड उन्होंने बोला व्हाट्सएप में मोबाइल बैंकिंग चालू करने के लिए, एंड ही केम ऑन वीडियो कॉल। वीडियो कॉल से बात करते करते स्क्रीन शेयरिंग भी आ गया, दैट मुझे मालूम नहीं पड़ा। उन्होंने बोला बैंक ऐप ओपन करने के लिए एक्सिस बैंक ऐप, एंड उसमें मेरा लॉग इन आईडी सब डालने के लिए बोला। वो वीडियो शेयरिंग में था, वो उनको मेरा लॉग इन आईडी पासवर्ड सब देखने को मिला लगता है, एंड वो मुझे उसके बाद एक नंबर टाइप करने के लिए बोला, वो 2*22 और कुछ नंबर वो मुझे याद नहीं, एंड स्लैश करके करने के लिए बोला, इस ये करेगा तो आपका केवाईसी प्रोसेस हो जाएगा करके। मैंने किया, फिर तभी मुझे मालूम नहीं पड़ा। उसके बाद मालूम पड़ा मेरा फोन कॉल्स, मेरा एसएमएस सब उनको फॉरवर्ड हो रहा है, मुझे मैसेज आ रहा है, वो मैसेज उनको जा रहा है लाइक दैट। वो मेरा ओटीपी भी देख के, मेरे बैंक में सेविंग्स अकाउंट में पैसा नहीं था, मेरे पास एक एफडी था, वो मैच्योर नहीं हुआ था, उसको प्री मैच्योर करके उससे 3 times ही टुक 5 lakh rupees। वो मुझे रियलाइज होने के पहले वो कर दिया। इमीडिएटली मेरा डॉटर इन लॉ आके मेरा फोन को कट करने के लिए बोली, मैं कट किया। कट करने के बाद भी वो फोन कर रहा था कंटिन्यूसली, एंड मेरा डॉटर इन लॉ शी रिमूव्ड माई सिम। तभी तक हमको मालूम पड़ा मेरा 5 lakh rupees 3 times गया है। फिर हम लोग तुरंत पुलिस स्टेशन गया, पुलिस स्टेशन में दैट पुलिस ऑफिसर डायल किया मेरा फोन में *14413। वो डायल करके तभी मेरा फोन से फॉरवर्ड कॉल्स एंड एसएमएस सब बंद हुआ। फिर हम लोग उधर रजिस्टर कंप्लेंट रजिस्टर करके आया। मेरा ये इसके वजह से मेरा 5 lakh rupees मेरा लॉस हो गया। पता नहीं, आई हैव गिवन अ कंप्लेंट, प्रे करती हूँ मुझे मिलना चाहिए करके। इसमें मैं क्या बोलती हूँ सब लोगों के लिए, एनी अननोन कॉल डोंट पिकअप, पिकअप करेगा तो भी वीडियो कॉल मत कीजिए, और वो लोग कुछ नंबर टाइप करने के लिए बोलेगा तो मत कीजिए। और उन लोगों ने स्क्रीन शेयरिंग करेगा तो कुछ उसमें मालूम पड़ता है, मुझे वो मालूम नहीं पड़ा। बी केयरफुल, वो लोग सीनियर सिटीजन को ही टारगेट करता है। यही मुझे बोलना था। आई एम प्रेइंग दैट आई शुड गेट माई अमाउंट। ऑलरेडी आई हैव गिवन अ कंप्लेंट द सेम डे, दे सेड विद इन 3 hours आई मेड द कंप्लेंट। Let me hope I should get the money. Thank you.